लीडर से यूं तो एमएलएम में कई सारे प्लान आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और चले भी जाते हैं, और कई सारे प्लान जो एक ठोस बेस के साथ आते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक रुकते हैं और लीडर्स को बड़ी अच्छी खासी इनकम देते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड की, तो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम हर लीडर की ख्वाहिश होती है और हर लीडर ये चाहता है कि उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिले जिसकी शुरुआत में जुड़ने का उसे मौका मिल जाए और कंपनी बड़ी हो, नामी ग्रामी कंपनी हो और जिसका बिजनेस प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पर उसकी अर्निंग बेहतरीन हो पाए। और बिल्कुल शुरुआत में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वी सेफ प्लान की, जो कि ओसवाल का नाम घर घर में सभी लोग जानते हैं। ओसवाल ग्रुप का नाम, इसके लुधियाना की हौजरी बहुत फेमस है ओसवाल के नाम से। यही ग्रुप एमएलएम में आई है, अभी 2 महीना इसको आए हुआ है और कंपनी ने यहाँ पर कमाल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट हैं, इसकी प्रोडक्ट लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरे प्लान को सुनने के लिए आप इसके बाद एक ऑडियो भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि उस ऑडियो में इसका पूरा प्लान डिस्क्राइब किया गया है। तो लीडर से मौका बन जाता है एक शुरुआत में आपको जुड़ने का एक ऐसी कंपनी से, जहाँ पर आप एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट अभी तक तो क्लोथिंग के नाम से ही लोग जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर लीडर्स आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और साइंटिस्ट यहाँ पर खुद कंपनी ने हायर किए हुए हैं। ये साइंटिस्ट इन पर रिसर्च करके हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी के बना रहे हैं। यह लीडर्स और प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट हैं। हम यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा प्लान भी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इस प्लान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और यहाँ पर आप एक सेफ जोन में वर्क कर सकें। तो लीडर्स, यहाँ पर आपको बता दूँ, आईडी यहाँ पर आप फ्री में भी इसको ज्वाइन करके टीम अभी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में कंपनी मौका दे रही है, और अगर चाहें तो यहाँ पर आईडी एक्टिव करके भी वर्क कर सकते हैं, और सिंगल प्रोडक्ट से भी यहाँ पर कंपनी आपकी आईडी को एक्टिव कर रही है। यानी कि अगर 500 बीबी से कम का भी आप यहाँ पर कोई सी परचेजिंग करते हैं तो यहाँ पर आपकी आईडी एक्टिव मानी जाती है। तो बाद में जैसे ही आप रिपर्चेज करेंगे तो वहाँ पर आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। तो लीडर्स, यहाँ पर आपको एक मौका मिल जाता है एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का। इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी बेहतरीन हैं, जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बात करूँ इसके एक्सेस की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत हाई रेट के प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल मीडियम रेंज के प्रोडक्ट हैं जो कि आसानी से कोई भी एक्सेस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसके MRP और ऑफर प्राइस भी देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दे रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रासेफ हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट और सेफ्रूट्स पर्सनल एंड एसेंशियल केयर रेंज, डॉक्टर परफेक्ट के नाम से होम केयर रेंज,
और इड्रियो के नाम से एक्सक्लूसिव क्लोथिंग रेंज भी कंपनी की है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्लोथिंग रेंज के आपको कई सारे यहाँ पर ये एक्सेसिबल रेट के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। आप इन प्रोडक्ट्स को देखिए और आराम से इस कंपनी के प्लान को समझिए और उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करके एक लाइफ टाइम एक बहुत बड़ा बूम करने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो। हाँ सर बताइए। अब हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर एक बार प्लान थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, पूरा प्लान एक बार और ब्रीफ कर दीजिए मुझे। सर प्लान में पहली बात ये है कि इसमें ना तो कोई पैकेज सिस्टम है ना ही कोई कुछ सिस्टम है, ओपन चॉइस है। हमें अपना आईडी जो है ना 500 BB के साथ हमारा आईडी एक्टिवेट हो जाता है। ओके ठीक है। और वैसे तो अब कंपनी ने क्या सिस्टम किया, अब सिंगल प्रोडक्ट से भी आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है, कोई एक सिंगल प्रोडक्ट लेने से। अच्छा तो लेकिन उसमें होता यह है कि आपको पेयर जो है ना वो पेयर तभी आता है जब आपका 500 BB हो जाते हैं। ओके। वो चाहे आप एक बार में कर लो, तीन बार में करो, चार बार में करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा मतलब 500 BB से कम भी होगा तो भी आईडी एक्टिव हो जाएगा ऐसा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात, पहले से ऐसा था कि पहले रेड आईडी नहीं लगती थी, रेड आईडी जो होती थी ना लगती नहीं थी, सिर्फ ग्रीन आईडी लगती थी। अब रेड आईडी भी लगती है और रेड आईडी आगे भी लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। पहले नहीं होता था, दोस्तों पहले सिर्फ पेड आईडी होती थी। यहाँ पर न्यूट्रासिल अभी शुरू हो गया, वेलनेस प्रोडक्ट फ्री आईडी लगा के आगे रेफर कर सकते हैं। सेफ्रूट्स। हाँ जैसे मान लो किसी ने अपना आईडी रजिस्टर किया फ्री में, पर वो आगे अपनी टीम बना सकता है, अपना स्ट्रक्चर लगा सकता है। अच्छा। पहले वो अपना स्ट्रक्चर नहीं लगा सकता था जब तक कि उसका आईडी खुद का ग्रीन नहीं होता था। इसके अलावा यहाँ पर एक्सक्लूसिव क्लोथिंग रेंज की आपको। और उसके बाद प्लान की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सर ये है एक्चुअल में 2 लाख का जनरेशन प्लान और आराम से इस जैसे आपका 1000 FBB हो जाता है लेफ्ट में, 1000 FBB हो जाता है राइट में, तो आपका एक पेयर बन जाता है। यहाँ पे 1000 से पेयर मैचिंग शुरू होती है और पेयर मैचिंग जो होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे है, यहाँ पे बाइंड्री का जो साइकिल है वो वीकली है और रिपर्चेज का साइकिल है मंथली। एक एक हफ्ते के बीच में कंपनी के पास जितना भी न्यू बिजनेस आता है न्यू ज्वेलिंग से, उसकी टर्नओवर के बीच में से कंपनी निकालती है 45%। और 1000 के जितने भी पेयर्स बनते हैं उसके साथ उसको डिवाइड करती है तो हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। अब मान लीजिए ये पॉइंट की वैल्यू 300 रुपए भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 700 भी हो सकती है। ठीक है जी। अब मान लीजिए आपके हो गए, आपके अगर मान लीजिए 5000 पॉइंट लेफ्ट में है और 5000 पॉइंट राइट में है और एक पॉइंट की वैल्यू अगर 500 रुपए आई है तो आपका पेयर बनेगा 500 × 5 यानी कि 2500 रुपए का। और मैचिंग फ्लेक्सिबल है, आप कैसे मैच करा सकते हैं ना। हाँ और फिर मैचिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी है। कैरी फॉरवर्ड रिपर्चेज में तो नहीं है, रिपर्चेज में भी है कैरी फॉरवर्ड। हाँ रिपर्चेज में नहीं है, इसमें है न्यू बिजनेस में। और उसके बाद क्या है, हम जितने भी हमारे जितने भी बीवी के साथ बीवी होता है जब फर्स्ट परचेज बिजनेस वॉल्यूम को बोलते हैं बीवी, हम जिस जब भी हम कोई नया कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं जितने भी कभी करें उसका 25% जो है ना वो कंपनी हमें फ्री में बीवी देती है। जैसे मान लो किसी ने 1000 BB से ज्वाइन किया उसको 250 BB फ्री में मिल जाएंगे और वो जो बीवी होंगे वो उसका रिपर्चेज के जो कहना था ना रिपर्चेज की मैचिंग है उसमें काउंट हो जाएगा और उसका खुद का परफॉर्मेंस बोनस में भी वो काउंट होगा, रैंक अचीवमेंट में भी काउंट होगा, आपका जो बाकी जो आगे जगह बोनस वगैरह आते हैं उसमें भी वो काउंट होता है। अच्छा। और जो रिपर्चेज है रिपर्चेज की मैचिंग होती है 2000 से। उसके लिए कंपनी का करती है एक महीने में जितना भी रिपर्चेज का बिजनेस होता है उसके बीच में से 10% अलग से निकालती है और 2000 के जितने भी पेयर बनते हैं उसके साथ डिवाइड करती है तो एक पॉइंट की वैल्यू आती है। अच्छा। तो आपके जितने भी पेयर बने हैं अगर आपकी 10000 की मैचिंग हुई है तो 2000 के आपके 5 पॉइंट हो गए
अभी आप जितने भी आए, अगर मान लीजिए 500 का पेयर आता है तो वहाँ पे भी मान लीजिए 2500 का आपका पेयर बन गया, रिपर्चेज कर। ओके और यहाँ पे कोई साइड लैग को मेंटेन नहीं करना, और यहाँ पे ट्रैवल बोनस जो है वो फर्स्ट वीक से फर्स्ट मंथ से ले सकते हो। पे आउट सिस्टम मंथली है, पे आउट सिस्टम मंथली है, मंथली है, ठीक है। आप बताते जाइए, आप बताते जाइए सर। उसके बाद यहाँ पे है अपना कंसिस्टेंसी बोनस है, उसके लिए भी सेम ऐसा ही है, परसेंटेज दी हुई कंपनी ने 10% निकालती है कंपनी। फिर अपना ट्रैवल फंड है, ट्रैवल फंड के लिए 10% है। और सर यहाँ पे हमें कोई रैंक को मेंटेन नहीं करना ट्रैवल फंड लेने के लिए, कोई हमें अलग से कुछ अर्निंग करना उसके लिए। अदरवाइज कई कंपनियों में क्या होता है कि आपको 3 महीने तक अपना रैंक मेंटेन करना पड़ता है ट्रैवल फंड लेने के लिए या कार फंड लेने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, और बोनस के ऊपर भी कोई कैपिंग नहीं है। ये कार फंड या ट्रैवल फंड आपको कितना परसेंट ही मिलेगा उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ये पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सर। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी भी बोनस का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कार फंड का ही हमने ले लिया एग्जांपल। जो कंपनी ने टर्नओवर निकाली उसका 10% निकाला, मान लीजिए वो आया 1 लाख रुपया। अब 1 लाख को अचीवर के बीच में डिवाइड किया, और अगर एक ही अचीवर आता है, अभी तो शुरुआत है ना कंपनी की, अभी तो पहला पे आउट भी 7 तारीख को आना है। लीडर से यूं तो एमएलएम में कई सारे प्लान आते हैं, 1 लाख का 1 लाख अकेले बंदे को मिल जाएगा, दर्ज कराते हैं और चले भी जाते हैं। और अगर दो दो चीजें रहेंगे तो 50-50। लीडर से यूं तो एमएलएम में कई सारे प्लान आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और चले भी जाते हैं, और कई सारे प्लान जो एक उस बेस के साथ आते हैं वो काफी लंबे समय तक रुकते हैं और लीडर्स को बड़ी अच्छी खासी इनकम देते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस्ड की, तो प्रोडक्ट बेस्ड एमएलएम हर लीडर की ख्वाहिश होती है, और हर लीडर ये चाहता है कि उसको कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिले जिसकी शुरुआत में जुड़ने का उसे मौका मिल जाए, और कंपनी बड़ी हो, नामी ग्रामी कंपनी हो, और जिसका बिजनेस प्लान भी बहुत फ्लेक्सिबल हो, जहाँ पर उसकी अर्निंग बेहतरीन हो पाए, और बिल्कुल शुरुआत में अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो इस सोने पर सुहागा हो जाता है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वी सेफ प्लान की, जो कि ओसवाल का नाम घर घर में सभी लोग जानते हैं। ओसवाल ग्रुप का नाम इसके लुधियाना की हौजरी बहुत फेमस है ओसवाल के नाम से, वही ग्रुप एमएलएम में आई है, अभी 2 महीना इसको आया हुआ है, कंपनी ने यहाँ पर कमाल कर दिया है। यहाँ दोस्तों काफी सारे इसके प्रोडक्ट हैं, इसकी प्रोडक्ट लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरे प्लान को सुनने के लिए आप इसके बाद एक ऑडियो भी जरूर सुनिए, क्योंकि उस ऑडियो में इसका पूरा प्लान डिस्क्राइब किया गया है। लीडर से मौका बन जाता है एक शुरुआत में आपको जुड़ने का एक ऐसी कंपनी से, जहाँ पर आप एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही कंपनी है जिसके प्रोडक्ट अभी तक तो क्लोथिंग के नाम से लोग जानते थे, लेकिन अब यहाँ पर लीडर्स आपको कई सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, और साइंटिस्ट यहाँ पर खुद कंपनी ने हायर किए हुए हैं, ये साइंटिस्ट ऊपर रिसर्च करके हर प्रोडक्ट को कंपनी के बना रहे हैं। यहाँ लीडर्स और प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हो रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट भी देखेंगे, और अगर कोई बंदा मालूम नहीं भी सकता, पूरा प्लान नहीं काम करता, तो फिर भी वो 90% इनकम मिलेगा किया जाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर, आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, इस प्लान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और यहाँ पर आप एक सेफ जोन में वर्क कर सके। तो लीडर्स यहाँ पर आपको आईडी, यहाँ पर आप फ्री में भी इसको ज्वाइन करके भी बढ़ा सकते हैं, शुरुआत में कंपनी मौका दे रही है, और अगर चाहे तो यहाँ पर आईडी कंप्लीट करके भी वर्क कर सकते हैं, और सिंगल प्रोडक्ट से भी यहाँ पर कंपनी आपकी आईडी को एक्टिव कर रही है। यानी कि अगर 500 बीबी से कम का भी आप यहाँ पर कोई सी परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपकी आईडी एक्टिव बन जाती है। बाद में जैसे ही आप परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। लीडर से यहाँ पर आपको एक मौका मिल जाता है एक बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का, इसके प्रोडक्ट काफी बेहतरीन है, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बात करूँ इसके
और एक्सेस यहाँ की पे तो एक यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं है दूसरी कि कंपनी से बहुत अलग जो हाई चीज रेंज रखी के है प्रोडक्ट हैं, वो है बिल्कुल जो इनका मीडियम शॉपिंग रेंज के सिस्टम है। प्रोडक्ट हैं जो कि आसानी से शॉपिंग कोई सिस्टम भी में एक्सेस एक कर तो सकता है। 1 लाख यहाँ की दोस्तों शॉपिंग में दे आप रहे हैं 12% इसकी एमआरपी मंथली ऑफर बिजनेस प्राइस वॉल्यूम भी का, देख सकते हैं कि जो किस तरह शॉपिंग से ओनर है उसको कंपनी मिलेगा यहाँ 12% मंथली आपको बिजनेस वॉल्यूम का, डिस्काउंट भी और दे जो बंदा रही है। रेफर करेगा उसको मिलेगा 3% मंथली बिजनेस वॉल्यूम का, और जो 5 लाख की मेगा शॉपिंग है उसमें शॉपिंग ओनर को 8% मिलता है और रेफर करने वाले को मिलता है 2%। ओके और यहाँ पे शॉपिंग ओनर के लिए एक बेनिफिट और, अगर जो भी शॉपिंग ओनर 1 साल में यानी कि 12 महीने में 12 लाख की सेल करता है, यानी कि 1 लाख रुपए की सेल मंथली और साल में उसकी 12 लाख की सेल होगी, तो उसको अलग से कंपनी ईयर एंडिंग बोनस देती है अलग से, अच्छा वो भी ऐसे करीब समझ लीजिए 40,000 से 50,000 रुपया आराम से बन जाएगा उसका साल के बाद जो मिलेगा इकट्ठा। ओके अच्छा, कुछ फ्रेंचाइजीज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी? हाँ बिल्कुल कर रही है सर, अभी तो इनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है शॉपी और मेगा शॉपी की। अच्छा मतलब फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए चलिए ठीक है सर, ठीक है अभी देखते हैं। अभी देखो दोबारा से, अभी बीच बीच में तो मैंने रोक दिया था इसको, दोबारा से करते हैं इसका प्रमोशन। मैं सर सर देखो सिस्टम पता क्या है कंपनियों में, एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, आप भी बहुत सीनियर हो, नेटवर्किंग में हर रोज नई कंपनी आती है ठीक है सर, लेकिन एक चीज समझने वाली ये है कि एक दो तीन जो पॉइंट्स होते हैं ना कि कंपनी की प्रोफाइल अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हो, प्लान अच्छा हो, सिस्टम अच्छा हो, पे आउट सिस्टम अच्छा हो, तो वो सब चीजें हैं ठीक है, इसमें सिस्टम है। और शुरुआत में कंपनी मिले, हर 15 लीटर कहता है मुझे कंपनी मिले शुरुआत में, और हमें शुरुआत में कंपनी मिली है देखो स्टार्टिंग में, और जो लीडर अभी अभी जो लीडर सर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, देखो मेहनत ये टोटल वर्किंग प्लान होता है प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पे नॉन वर्किंग का कोई काम नहीं है। जो लीडर 2 महीने 3 महीने अपना टीम बनाने में लगा गया उसके बाद उसने सिर्फ सर्विस देनी है, फिर तो टीम आपकी आगे से आगे खुद ब खुद ही बढ़ती जाएगी। हाँ वो तो है। और जो बड़े बड़े सर अचीवर होते हैं ना, बाद में जब हम इसका हम एग्जांपल देते हैं यार वो स्टेज के ऊपर 10 लाख महीना कमा रहा है, 20 लाख कमा रहा है महीना, तो उसके लिए सर वही है कि जो जितने का हमें चेक चाहिए उसके लेवल की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन यह है कि कंपनी का जो अगर, है स्टार्ट में जो भी प्रोडक्ट भी मायने रखता है ना बॉस, प्रोडक्ट भी कंपनी का बहुत मायने सर बिल्कुल सर, यहाँ पे सबसे बड़ी बात पता क्या, देखो कंपनी ने 2 बातें बोली है, सीएमडी सर ने मीटिंग जो लॉन्च हुई थी कंपनी 28 फरवरी को 2 बातें बोली थी उन्होंने। पहली बात ये बोली थी कि हमारा जो नाम है उस वाल ग्रुप का, ये नाम बनाने में हमें लगे 70 साल, बिल्कुल क्रेडिबिलिटी और देखो, ट्रस्ट बिजनेस हम में लोगों इसका ने नाम है। इसका प्रमोशन क्यों किया ओसवाल के नाम से ही किया है, हमें पता है कि हम तो पतंजलि के वेट में लगे थे, हमने कहा पतंजलि का प्रमोशन करेंगे बढ़िया तरीके से है ना, तो बीच में ये ओसवाल का आ गया, तो ओसवाल भी भाई जानी मानी कंपनी है, ऐसा नहीं है इंडिया में सभी लोग जानते हैं, घर घर जानते हैं ओसवाल को, तो मैटर नहीं। मैं सर उसी को कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पतंजलि के बाद हमारे पास बीच में बहुत सारे कॉन्टैक्ट आए, लेकिन हमें पतंजलि ने एक चीज सिखा दी थी कि भैया नाम से बहुत फर्क पड़ता है, जिसको कंपनी को लोग जानते हैं ना तो बहुत फर्क पड़ता है, हमारी मेहनत जो है ना, अगर मान लो 100% मेहनत करनी है, अगर कंपनी को लोग जानते हैं, अगर पतंजलि आ जाती तो हमारी 95% मेहनत खत्म हो जाती उसके नाम से ही, हमारी मेहनत रहती 5%। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, चलो ठीक है ओसवाल का नाम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा नाम पतंजलि का है, पर मैं फिर भी मानता हूँ अगर वो 95% थी, ये 50% मानता हूँ इसको, चलो 50% काम हमारा इसके ओसवाल के नाम से हो रहा है, बाकी 50% हमारी मेहनत है।